सभी दोस्तों को नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। रूबीडियम परिवार के जितने भी मेंबर हमारा जो ये यूट्यूब चैनल आप लोग रोज देख रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत तहे दिल से आभार। और आप लोगों की वजह से ही आज हम लोग जो है वो काफी स्टेबल कर चुके हैं। और इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार जो है हमारे प्रति जो बना रहे हो वो हमेशा के लिए बनाए रखना सॉरी। और हम लोग आप लोगों के लिए हमेशा के लिए तत्पर रहेंगे। जितना कुछ भी जो मैटर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से राजस्थान को हो, चाहे इंडिया का सेंट्रल लेवल का कोई एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, हम लोग आप लोगों की निरंतर सेवा में हमेशा तैयार रहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो या जितने भी जो भी आप लोग हमारा निरंतर रेगुलर जो चैनल देखने वाले स्टूडेंट है वो कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी प्रॉब्लम हो वो प्रॉब्लम शेयर कर दिया करो हमारे को, ताकि हम लोग आप लोगों को या आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम जो आप लोगों के सामने आती है वो सारी की सारी सॉल्व कर देंगे। तो इसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई झंझट नहीं पाले और ये भी माइंड में नहीं सोचे कि सर हमारी ये प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम हो अकॉर्डिंग टू लेक्चर से संबंधित जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम लोग उस प्रॉब्लम के बारे में आप लोगों को कुछ सॉल्यूशन दे सकें। और आप लोगों को जैसा विदित है कंटिन्यू हमारे जो लेक्चर वीडियोस यूट्यूब चैनल हमारा जो रूबीडियम है उसके ऊपर हम लोग डेली अपलोड करते आ रहे हैं। और ये सेशन आप लोगों को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि राजस्थान का जो भूगोल है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस, मैं बार बार आपको ये बात आपके माइंड में डाल रहा हूँ कि आगे आने वाला कोई भी राजस्थान का अगर एग्जाम होगा तो यहाँ से आप लोगों को 101% क्वेश्चन मिलने की संभावना रहेगी। तो आप लोग अपनी जो तैयारी है उसको एकदम सुदृढ़ करने के लिए ये चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें। और हमारे लेक्चर जितने भी वो सारे के सारे लेक्चर आप कनेक्टिविटी के अकॉर्डिंग देखें, एक एक वीडियो देख लिया दूसरा नहीं देखा, तो इस प्रकार से अगर आप लोग वीडियो देखेंगे तो ये आप लोगों की कनेक्टिविटी जो वो नहीं बन पाएगी। सो आपसे मेरी अंबर रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कंटिन्यूटी में वीडियो देखें। ज्यादा हम लोग इतने बड़े वीडियो आप लोगों के लिए नहीं डाल रहे हैं, एक बार इतने बड़े हम लोग नहीं डाल रहे, ताकि आप लोग बोर ना हो। और बोर होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि आप लोग अगर घंटे डेढ़ घंटे का वीडियो भी देखेंगे तो आप लोगों को कुछ ना कुछ नई अपडेशन और कुछ ना कुछ नई इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को हर रोज मिलती रहेगी, जो आप लोगों ने साइड ही पहले कहीं अच्छे से पढ़ी होगी। तो आज का ये वीडियो, आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को फिर से इन्फॉर्म कर रहा हूँ, काइंड फॉर इन्फॉर्मेशन ऑल ऑफ यू, कि ये जो वीडियो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ये नेक्स्ट राजस्थान की कोई भी एग्जाम अगर आएगी तो उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखेंगे। नहीं समझ में आता है या कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें, आपकी राय हमें जरूर दें, आप लोगों का सजेशन जो है वो हमें जरूर दें, ताकि हम लोग उसके ऊपर और अच्छी तरीके से बेहतर ढंग से काम कर सकें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसा कल हमने चर्चा करी थी उसी चर्चा के अकॉर्डिंग आज भी हम लोग अगले वाला जो सेशन है उसको ध्यान रखेंगे। जैसे मेनली मैंने आप लोगों को कल बताया था कि राजस्थान के चारों तरफ की जो बाउंड्री है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। राजस्थान की टोटल लेंथ जो है कुल सीमाएं का क्रम है 5920 किलोमीटर है, और ये 5920 किलोमीटर की सीमा रेखा जो वो कौन सी सीमा रेखा है, तो स्थलीय सीमा रेखा। और जैसा आप लोगों को विदित है पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि ये स्थलीय सीमा रेखा जो है, ये स्थलीय सीमा रेखा दो प्रकार की है राजस्थान के साथ। कौन कौन सी दो प्रकार की? एक तो स्थलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा और दूसरी सीमा रेखा जो वो कौन सी है, स्थलीय अंतर राज्य सीमा रेखा। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिकली इसके बारे में बताऊं, फिर अपन थोड़ा सा डेप्थ में जाकर इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आप लोगों को पता होगा कि यहां पर एक कंट्री है जिसको हम लोग बोलते हैं पाकिस्तान,
पाकिस्तान राजस्थान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमारेखा साझा करता है, शेयर करता है। पाकिस्तान के बाद में राजस्थान के नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आप बात करोगे तो यहां पर देखो पंजाब, क्लियर है। पंजाब के बाद में यहां अगर देखेंगे आप लोग तो हरियाणा, एक बार देख लेना फिर मैं आपको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बताऊंगा। हरियाणा के बाद में यहां अपन देखेंगे तो यहां पर होगा यूपी, और यूपी के बाद में यहां अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर हो जाएगा एमपी, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद में यहां ये वाला जो एरिया है, ये जो स्टेट है इसको हम लोग बोलेंगे गुजरात। तो कुल मिलाकर राजस्थान की जो कुल सीमा रेखा की लंबाई है, उस सीमा रेखा की लंबाई पर एक देश यानी कि वो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करता है, और भारत के पांच राज्य सिचुएटेड यानी कि पांच राज्यों के साथ भारत की अंतरराज्य सीमा रेखा की अंतरराज्य सीमा रेखा शेयर होती है। अब अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन देख लेना है, इस अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन में किस प्रकार से देखना है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देना है। थोड़ा सा मैं आपको एकदम सिंपल वे में बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना है, देखें कि यहां से हम चार जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर ये जो डायरेक्शन ये हो जाएगी आपकी कौन सी, नॉर्थ। नॉर्थ के बाद में इधर जो डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी कौन सी, साउथ। साउथ के बाद में ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन हम लोग बोल देंगे ईस्ट, और ईस्ट के बाद में ये बोल देंगे अपन कौन सी, वेस्ट। तो अब कम से कम आप लोगों को एकदम सिंपल वे में ये बात तो पता ही होनी चाहिए कि अगर हम लोग देखें तो कौन सी डायरेक्शन, जैसे ये साउथ होगी, साउथ के बाद में ये कौन सी होगी, ईस्ट। तो कम से कम बेसिक पहले हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक से फिर हम लोग हाई लेवल पर पहुंचेंगे। ऐसे नहीं कि सिद्ध हम लोग कहीं पर पहुंच गए, वो बिल्कुल नहीं देखना, एकदम सिंपल वे में चलना है, और सिंपल वे के बाद में चलते हुए एकदम से थोड़े 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 करते करते हाई लेवल पर अकॉर्डिंग टू आरपीएससी के सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, है ना। बट आप लोग बस अपना कंसंट्रेट जो है आपका ध्यान केंद्रित पूरा बोर्ड के ऊपर होगा, या आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरा पूर्ण विश्वास आप लोगों के साथ। आप इस वीडियो को देखें, थोड़ा सा ढंग से देखें, अच्छे से देखें। देखिए अब ये जितने भी पांच राज्य राजस्थान के नेबर स्टेट है, पड़ोसी राज्य हैं, और एक पाकिस्तान है, इसकी डायरेक्शन आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कौन सा राज्य राजस्थान के कौन से डायरेक्शन में सिचुएटेड है, स्थित है। तो जैसे हम लोग बात करें पंजाब, तो पंजाब कौन से में जाएगा, नॉर्थ में। इसके बाद देखो हरियाणा, हरियाणा हो जाएगा उत्तर और पूर्व में। इसके बाद में यूपी पूर्व में हो जाएगा, और यूपी के बाद में यहां पर दक्षिण और पूर्व में यहां पर कौन सा है, एमपी, और दक्षिण और पश्चिम में कौन सा हो जाएगा, गुजरात, और उत्तर पश्चिम में जो है वो कौन सा है, पाकिस्तान, क्लियर है। यहां तक कल हम लोग चर्चा कर चुके, अब देखना आज अगर हम लोग थोड़ा सा अच्छे से डीप जाकर इसको अगर अच्छे से स्टडी करें तो किस प्रकार से ध्यान रखना है कि यहां पाकिस्तान के साथ जो अपनी सीमा रेखा लगती है, इस सीमा रेखा में आप लोग देखना कि यहां पर हमने कल रेड क्लिफ सीमा रेखा के साथ बात कर ली थी, रेड क्लिफ सीमा रेखा, और रेड क्लिफ सीमा रेखा में अपने को क्या ध्यान रखना है, यहां पर पहले बेसिक चीजें अपने को पकड़ करनी है। देखो कौन सी बेसिक चीजें पकड़ करनी है, ध्यान रहे, ध्यान देना कि पाकिस्तान के साथ राजस्थान कितने किलोमीटर की सीमा रेखा शेयर करता है, तो 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर सीमा रेखा शेयर करता है। इसके बाद में पंजाब के साथ अगर हम लोग बात करें तो पंजाब के साथ केवल और केवल 89 किलोमीटर की सीमा रेखा शेयर करता है, है ना। हरियाणा के साथ अगर हम लोग बात करें तो हरियाणा के साथ राजस्थान की सीमा शेयर होती है 1262 किलोमीटर, क्लियर है। और इसी में अगर हम लोग बात करें यूपी, तो यूपी के साथ राजस्थान की जो सीमा रेखा शेयर होती है वो होती है 877 किलोमीटर। और इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आ जाता है अपना एमपी, और एमपी के साथ 1600 किलोमीटर की सीमा शेयर होती है राजस्थान की, यानी कि सबसे लंबी बाउंड्री राज्य में, सबसे लंबी बाउंड्री अगर राज्य में राजस्थान किसी स्टेट के साथ शेयर करता है तो वो कौन सा है, एमपी, क्लियर है। और इसके बाद में गुजरात, और गुजरात की हम लोग बात करें तो 1022 किलोमीटर, तो 1022 किलोमीटर की सीमा जो है वो शेयर की जाती है।
तो ये बेसिक चीजें हमें एकदम सिंपल वे में पहले अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। अब यहां से हम लोग कुछ बेसिक चीजों को लेते हुए चलेंगे और बेसिक चीजों को हम उत्तर से शुरू करेंगे और उत्तर से शुरू करते हुए हम लोग पाकिस्तान तक पहुंचेंगे। लेकिन पहले मैं आप लोगों को पाकिस्तान के साथ वाला कुछ जो एरियाज वगैरह है इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूं, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। तो यहां पर सबसे पहले अपन थोड़ा सा पहले पाकिस्तान की चर्चा कर लेते हैं, पाकिस्तान के बाद में उत्तर की तरफ चलेंगे। देखना अगर यहीं से हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर ले और अच्छी तरीके से, तो यहां पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। देखो जैसा हमने कल चर्चा की थी कि पाकिस्तान के साथ हमारी कितनी किलोमीटर की सीमा रेखा है, 1070 किलोमीटर की सीमा रेखा है। और इस 1070 किलोमीटर की सीमा रेखा में हमें थोड़ा सा पढ़ लेना है, अच्छे से देखो क्या ध्यान देना है कि राजस्थान के 5 जिले ध्यान देना जी, राजस्थान के कितने जिले हैं, 5। तो राजस्थान के तो कितने जिले हो जाएंगे, 5, और पाकिस्तान के 9 जिले। यहां पर बेसिक चीज ध्यान रखना है, पहले पाकिस्तान के कितने, राजस्थान के कितने जिले, 5, और पाकिस्तान के कितने जिले, 9। तो 5 जिले राजस्थान के पाकिस्तान के 9 प्रांतीय जिलों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि पाकिस्तान में आज भी वहां पर ब्रिटिश शासन प्रणाली के अकॉर्डिंग जो टेरिटरी की यूनिट होती है उनका डिवाइडेशन किया गया है। यानी कि अंग्रेजों के जमाने में जैसे राज्य को प्रांतीय राज्य बोलते थे या प्रांतीय जिला बोलते थे, सेम आज वही ब्रिटिश शासन प्रणाली वहां पर लागू है। हालांकि ब्रिटिश हुकूमत वहां पर नहीं है, लेकिन ब्रिटिश शासन प्रणाली के अकॉर्डिंग वो लोग वहां पर आज काम कर रहे हैं, तो उनमें ज्यादा कुछ चेंजेस अपने को देखने को नहीं मिला है। हाँ, समय के आधार पर भी पाकिस्तान में कुछ चेंजेस जो होने चाहिए थे वो भी बहुत कम हुए हैं, लेकिन बहुत कम हुए हैं। अब पहले अपने को राजस्थान के 5 जिले पकड़ करने हैं, और राजस्थान के 5 जिलों में सिंपल सा हमें यहां पर देखना है, देखो कौन से 5 जिले होंगे। तो सबसे पहले उत्तर में यहां पर होगा श्री गंगानगर, और श्री गंगानगर के बाद में यहां पर होगा आपका कौन सा, अनूपगढ़। कौन सा हो जाएगा, अनूपगढ़। अभी हम लोग कह सकते हैं कि राजस्थान में जो 19 नए डिस्ट्रिक्ट जो बने हैं उनमें सबसे पहला जिला कौन सा है, अनूपगढ़, क्योंकि ए पर नाम इसी का आ रहा है। देखो तो अनूपगढ़ होगा, और अनूपगढ़ के बाद में यहां पर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बीकानेर, है ना। और बीकानेर के बाद में हो जाएगा आपका कौन सा, यहां पर, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद में यहां पर हो जाएगा आपका कौन सा, बाड़मेर। तो ये 5 जिले हो गए। यानी कि राजस्थान के कितने जिले हैं, तो राजस्थान के आप लोग बोल सकते हो 5 डिस्ट्रिक्ट, है ना। और ये 5 जिले कौन कौन से हैं, तो इसमें आप लोगों को सिंपल सा देख लेना है, एक तो कौन सा जगह, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। पहले ये बेसिक चीज ध्यान रखनी है। एक जैसे कल हमने रेड क्लिफ सीमा रेखा के बारे में चर्चा की थी, तो रेड क्लिफ सीमा रेखा राजस्थान में कहां से कहां तक है, राजस्थान में लेंथ तो इसकी कितनी है, 1070 किलोमीटर, लेकिन रेड क्लिफ सीमा रेखा राजस्थान में कहां से कहां तक है, तो उत्तर की अगर हम लोग बात करें तो मैंने जैसे कल आपको बताया भी था, उत्तर में श्रीगंगानगर का एक स्थान है जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदुमल कोट। हिंदुमल कोट से लेकर बाड़मेर के बाखासर गांव तक, बाड़मेर के बाखासर गांव तक रेड क्लिफ सीमा रेखा की यहां हम लोग कह सकते हैं कि यहां तक, जैसे आप लोग बोल सकते हैं यहां, इस प्रकार से ये जो रेड क्लिफ सीमा रेखा है हिंदुमल कोट से शुरू होगी और हिंदुमल कोट से शुरू होकर बाड़मेर के बाखासर गांव तक ये सीमा रेखा यहां पर आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो अब लोग हम लोगों को थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जैसे सबसे अभी जो आंकड़े हैं वो अपने पास चेंजेस बहुत कुछ देखने को मिलेंगे, और क्या चेंज देखने को मिलेंगे वो आप लोगों को समझना है। जैसे बाड़मेर की पहले 228 किलोमीटर की सीमा रेखा लगती थी, तो बाड़मेर की तो वर्तमान में भी वही लग रही है, बाड़मेर में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है। हालांकि बाड़मेर से जो अलग जिला बना है बालोतरा, वो बॉर्डर के ऊपर नहीं है, वो अंदर की तरफ है, है ना। दूसरा, जैसलमेर से कोई अलग डिस्ट्रिक्ट बना नहीं, है ना। तो जैसलमेर से अलग डिस्ट्रिक्ट नहीं बना, तो जैसलमेर में भी किसी प्रकार का कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा।
464 किलोमीटर की बाउंड्री पहले ही सेल होती थी और 464 किलोमीटर की बाउंड्री अब भी सेल होती है। नेक्स्ट बीकानेर की अगर अपन बात करें और बीकानेर के बाद में श्री गंगानगर की अगर हम बात करें तो यहां पर आप लोगों को चेंजेस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखना है अभी तक हमारे पास कोई डाटा नहीं है कि बीकानेर की कितनी लगेगी, श्री गंगानगर की कितनी लगेगी और अनूपगढ़ की कितनी लगेगी। बट यहां मैं एक चीज से आपको इंश्योर कर देता हूं कि सबसे कम पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाला अब जो जिला होगा वो कौन सा होगा, बीकानेर होगा। कौन सा होगा, बीकानेर, है ना। पहले बीकानेर के साथ हम लोग कह सकते हैं बीकानेर जो था वो था, लेकिन अब बीकानेर बी पहले था और अब होगा। और दूसरा सबसे ज्यादा सीमा रेखा कौन बनाएगा, जैसलमेर 464 किलोमीटर की लंबाई के साथ। अब यहां से हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ी सी, देखो पाकिस्तान के 9 जिले, यहां से आप लोग अच्छे से पकड़ करेंगे इसको, ध्यान से समझ रहे हैं, पाकिस्तान के जिले, पाकिस्तान के जिले। तो पाकिस्तान के जिलों में पहले ये ध्यान रखना है कि यहां से राजस्थान के अकॉर्डिंग देखना है बेटा, और राजस्थान के अकॉर्डिंग किस प्रकार से देखना है यहां पर आप लोग देख सकते हैं। यानी कि राजस्थान की अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान के पहले ये ध्यान रखना है कि राजस्थान के साथ पाकिस्तान के कितने प्रांतीय राज्य सीमा बनाते हैं, तो प्रांतीय राज्य कितने, 2। और प्रांतीय राज्यों में यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पर है पंजाब, और पंजाब के बाद में इधर वाला ये जो एरिया है इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंध, है ना। तो पाकिस्तान के 2 प्रांतीय राज्य राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, और ये 2 प्रांतीय राज्य कौन से हैं तो इसको थोड़ा सा देख लेना, एक तो कौन सा हो जाएगा आपका पंजाब और दूसरा कौन सा हो जाएगा सिंध। पहले ये ध्यान रखना है कि पंजाब प्रांत के कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो पंजाब प्रांत के 3 जिले सीमा बनाते हैं। यहां पर समझ रहे हैं, पंजाब प्रांत के कितने जिले सीमा बनाएंगे, 3। 3 जिले किस प्रकार से याद रखना है, सिंपल सा एकदम नॉर्मल, पंजाब बे आ रहा है लास्ट में, देखो पंजाब बे आ रहा है ना, तो यहीं से पकड़ करना है, बे वाले से पंजाब के कितने, 3, है ना। तो इसके 2 याद रखने हैं आपको, पंजाब के बे नाम से 2 याद रखने, और बे नाम से 2 कौन से हो जाएंगे, तो एक तो हो जाएगा बहावलपुर और दूसरा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बहावल नगर। ये 2 हो गए, देखो पंजाब बे से ही पकड़ कर लो, वहीं से याद रखने का तरीका है, पंजाब बे और बे से पकड़ा तो बहावलपुर और बहावल नगर, एक पुर है तो दूसरा कौन सा है, नगर है। और इस बहावलपुर और पंजाब में एक रहीम जी का यार रहता है, किसका यार रहता है, रहीम जी का, और उस रहीम जी के यार का नाम क्या है, खान। रहीम जी का एक यार रहता है कहां पर, बहावलपुर और बहावल नगर में। तो तीसरा डिस्ट्रिक्ट देखो कौन सा बना, रहीम का क्या रह रहा है, एक यार, तो रहीम यार, और रहीम के यार का नाम क्या होगा, खान। तो रहीम यार खान, ध्यान से इतना इजी फॉर्मूला आप लोग कहीं पर भी पढ़ लेना, आप लोगों को अगर मिले तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं कि हाँ सर इतना इजी फॉर्मूला में मिला है। देखो याद करने का तरीका लाइफ में कभी भूलोगे नहीं, अगर मेरे को अच्छे से नोटिस कर लिया आपने, मेरे को अच्छे से समझ लिया, तो मैं विद कॉन्फिडेंस कह रहा हूं कि अगर आप लोग मेरे साथ चले तो आप लोगों के रट्टा मारने वाली जो आदत है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। किसी चीज को कैसे याद रखना है, एक चीज याद रखोगे तो दूसरी चीज ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, देखो कैसे, ये चीज ध्यान रखना है। जैसे पाकिस्तान के साथ हम लोग बोल सकते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा की है, हम लोगों ने क्या चर्चा की है कि पाकिस्तान के साथ, सॉरी राजस्थान के साथ पाकिस्तान के कितने प्रांत सीमा बनाते हैं, 2। पहला कौन सा है, पंजाब, है ना, और दूसरा कौन सा होगा, सिंध, है ना। तो पंजाब बे। अब राजस्थान पाकिस्तान के कितने प्रांत हो जाएंगे, 3। देखो नाम पंजाब नाम आ रहा है ना, यहीं से पकड़ लेना है, यहां से पकड़ कर लो, देखो पंजाब, इस पंजाब में कितने वर्ण हैं, 3, है ना। तो 3 वर्ण अगर पंजाब के हैं तो
तो पंजाब प्रांत के तीन प्रांतीय जिले राजस्थान के साथ बाउंड्री शेयर करेंगे। फिर से सुनना मेरी बात को, पंजाब प्रांत में कितने वर्ड है? तीन। तो हम लोग कह सकते हैं कि पंजाब प्रांत के यानी पाकिस्तान के प्रांतीय जिले कितने सीमा बनाएंगे राजस्थान के? तो तीन, तीन वर्ड और तीन ही प्रांतीय जिले। क्लियर? एकदम याद रखने का सुपर तरीका, सुपर से भी डुपर कह सकते हो आप, इतना अच्छा तरीका आप लोगों को यहां पर मैं बता रहा हूं। अब देखो यहां से पकड़ करना है, पंजाब बे वर्ड आ रहा है, तो बे वर्ड से आप लोग पहले पढ़िए, एक तो बहावलपुर और बहावल नगर। बहावलपुर और बहावल नगर में रहीम जी का एक यार रहता है, यानी कि यार का मतलब फ्रेंड। रहीम जी का क्या रहता है? फ्रेंड। रहीम जी का क्या रहता है? यार। और उस रहीम जी के यार का नाम क्या? खान। तो तीसरा डिस्ट्रिक्ट हो गया देखो, रहीम यार खान। तो पंजाब प्रांत के कितने प्रांतीय जिले हो गए? तीन। अब आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना कि क्या ये फॉर्मूला याद रखने की दृष्टि से सही है या गलत है, या आप लोग मेरे को भूल के बता दो। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा है तो मेरे को भूल कर बता दो आप कि मैं भूल गया, कैसे भी नहीं भूल सकते आप लोग। इस प्रकार से अगर आप लोग याद करेंगे तो मैं बोल रहा हूं चुटकियों में सारी चीजें, राजस्थान की ज्योग्राफी आप लोग लाइफ में कभी भूलोगे नहीं, थोड़ा सा बट याद रखना है, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे देखो किसकी? सिंध प्रांत की। क्लियर है? तो कितने डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान के? कितने पाकिस्तान के कितने जिले हैं? नौ। तो तीन तो हमने ऊपर पढ़ लिए, अब हम लोग याद करेंगे कौन से? सिंध वाले, है ना। तो इसी प्रकार से सिंध वालों में आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो इसमें सिंध के कौन कौन से हो जाएंगे, तो मैं यहां आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता रहा हूं। देखो एक तो हो जाएगा घोटकी, सिंपल सा है घोटकी। घोटकी के बाद में अगर हम लोग देखें तो संगर, और संगर के बाद में हो जाएगा आपका सुकूर। घोटकी, संगर, सुकूर, कितने हो गए? तीन, है ना। और इसी में आप लोगों को ध्यान रखना है, एक हो जाएगा आपका खेरपुर, खेरपुर, और खेरपुर के बाद में आ जाएगा देखो ये कौन सा? थार पार कर, थार पार कर, है ना। और थार पार कर के बाद में एक हो जाएगी आपकी उमरकोट, उमरकोट। यहां से देखना है, मैं समझाऊंगा थोड़ा सा आपको, देख लेना उमरकोट। तो कितने हो गए? छह। तो सिंध प्रांत की हम लोग बात करें तो सिंध प्रांत में वर्ड कितने हैं? पांच। कितने वर्ड है? पांच। बट सिंध प्रांत के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाएंगे? छह। एकदम सिंपल है। देखो आप लोग हर एक फॉर्मूले को याद करने का आसान तरीका, सिंध प्रांत में कितने वर्ड है? पांच। बट सिंध प्रांत के कितने प्रांतीय जिले जो है वो राजस्थान के साथ बॉर्डर साझा करेंगे? छह। देखो एकदम सिंपल तरीका, इससे क्या हो सकता है? छह कौन से हुए? तो देखो कौन कौन से हुए? घोटकी, घोटकी, संगर, सुकूर, से याद करो, संगर, सुकूर, खेरपुर, खेरपुर के बाद में थार पार कर, थार पार कर जो कि यहां पर एक गाय की बहुत बड़ी नस्ल मानी जाती है अपने राजस्थान में और पाकिस्तान के कुछ जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर एक गाय की रेस है जिसको हम लोग बोलते हैं थार पार कर, ऐसा कहा जाता है। ये गाय की नस्ल एक दिन में पूरे थार के मरुस्थल को पार कर लेती है, इसीलिए मतलब इसकी चलने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा होने के कारण इसको थार पार कर नाम दिया गया था। तो यही एक जिले का नाम भी पड़ा थार पार कर, है ना। तो पांच में कौन कौन से हो जाएंगे? घोटकी, संगर, सुकूर, खेरपुर और थार पार कर और उमरकोट। कोट शब्द आपको जहां कहीं भी सुनने को मिले, कोट जैसे उमरकोट है, अमरकोट है, पठानकोट है, है ना, कोट सारे के सारे या तो आपको पाकिस्तान में मिलेंगे या भारत में मिलेंगे आपको पंजाब में। कोट का ध्यान रखना है, कोट सारे के सारे कहां पर मिलेंगे? या तो भारत में पंजाब में, और पंजाब में दूसरी जगह अगर हम लोग कोट की बात करेंगे तो ये कोट सारे के सारे आपको मिलेंगे कहां पर? पाकिस्तान में, है ना।
ये चीजें बेसिक तौर पर आप लोगों को ध्यान रखनी है। फिर से एक बार आप लोग जो है वो एक बार यहां पर देखें, तो ये मैंने पहले वाली स्लाइड आप लोगों को अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, यानी कि राजस्थान के कितने जिले 5, पाकिस्तान के कितने जिलों के साथ सीमा बनाते हैं 9 जिलों के साथ, है ना। तो ये राजस्थान के जिले कौन कौन से हैं, तो इसका उत्तर से दक्षिण का सही क्रम भी ध्यान होना चाहिए आपको। सबसे पहले श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, नवीनतम जिला, है ना, बीकानेर, बीकानेर के बाद में जैसलमेर और जैसलमेर के बाद में बाड़मेर, क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान के जिलों की, तो पाकिस्तान के जिलों की अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के जिले, और पाकिस्तान के कितने जिले हैं 9, बट पाकिस्तान के कितने प्रांत राजस्थान के साथ सीमा शेयर करते हैं, तो 2। तो सबसे पहला कौन सा है, इधर तो देखो ये डायरेक्शन ध्यान रखना, एक तो पंजाब है और इस साइड में कौन सा है सिंध। पंजाब में कितने वर्ड है 3, तो कितने जिले पंजाब के सीमा बनाएंगे राजस्थान के साथ 3, 3 में कौन कौन से है, तो आप लोग बोल सकते हो देखो 3 में एक तो हो जाएगा बहावलपुर और बहावलनगर, बे शब्द पंजाब में आ रहा है तो बे से शुरू करना है बहावलपुर और बहावलनगर। और तीसरा हम लोग बोल सकते हैं कि रहीम जी का एक यार है जिसका नाम खान है और वो बहावलपुर में रहता है, तो रहीम यार खान, इस प्रकार से आप लोग इजी तरीके से पढ़ सकते हो। सिंध, सिंध की अगर हम लोग बात करें तो सिंध में कितने वर्ड आ रहे हैं 5, बट सिंध प्रांत के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं 6, 6 में देखो कौन कौन से, घोटकी, संघर, सुकूर, खैरपुर, पारकर और उमरकोट, एक उमरकोट है और एक अमरकोट भी है ना। तो इस प्रकार की लेटेस्ट अपडेट हम लोग आपको अपडेट करवाते रहेंगे, जिसमें आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। यहां से आगे वाला सेशन अगर हम लोग शुरू करें तो देखिए कौन सा सेशन शुरू करने जा रहे हैं, तो यहां पर आप लोगों को शायद समझ में आया होगा ये नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आगे वाला देखो। अपने राजस्थान की कौन सी सीमा की बात कर ली सबसे पहले, तो राजस्थान की सीमा में हमने एक अंतरराष्ट्रीय सीमा का जो है उसकी हमने बात कर ली है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, पंजाब की। तो पंजाब वाला चैप्टर जो हम लोग कल या नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने पंजाब वाला वीडियो और जितने भी ये सारे के सारे नए जो जिले बने हैं उनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से, जैसा आप लोगों को आज मैंने जो नई कुछ अपडेशन दी उसके बारे में आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि कैसा रहा आज का सेशन, कैसा रहा आज का लेक्चर। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, इसी प्रकार के नए नए ट्रिक, नए नए फॉर्मूले हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे, ताकि आप लोगों को पढ़ने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, जय हिंद, नमस्कार।